स्वागत है आपको यूथ स्किल डेवलपमेंट का ऑफिशियल साइट में। रोजगार से जोड़ना ही है हमारा मकसद। दोस्तों, आशा करते हैं आप सब अच्छे हैं। आज मैं आपसे शेयर करूंगा और एक अच्छी मल्टी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी के बारे में, जो काफ़ी सारे सर्विसेज अपने रिटेलर और कियोस्क से कॉन्टिन्यूसली प्रोवाइड कर रहे हैं। आप भी आसानी से ले सकते हो रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर आईडी, जिससे AEPS, यूटिलिटी बिल्स, पैन कार्ड सर्विसेज जैसा बेहतरीन सर्विसेज अपने कस्टमर को प्रोवाइड कर सकते हो और इससे अच्छी कमाई भी स्टार्ट कर सकते हो। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ कर लो और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक भी दे दो। यहाँ पे आपको वही इन्फॉर्मेशन मिलेगा जिसको आप अपने काम में ला सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। जो भी लिंक का ज़रूरत होगा वो आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आगे जानिए बैंकिंग सर्विस से कैसे आप जुड़ सकते हो, कितना सर्विसेस आप प्रोवाइड कर सकते हो, कितना कमीशन आपको मिलेगा, कैसे कमीशन मिलता है और इसका रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है। इसके लिए आप ब्राउज़र में सर्च कीजिए bankit.in और गूगल प्ले स्टोर से Bankit का ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कर लीजिए। Bankit का ऑफिशियल वेबसाइट में आपको इस ऑर्गेनाइजेशन का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो Bankit ऑर्गेनाइजेशन है, ये Bankit सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड इस कंपनी का है, जो कि एक ISO सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब इसके ऊपर हम ट्रस्ट कर सकते हैं और इस कंपनी के साथ काम कर सकते हैं। थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आने से हम देख पाते हैं कि ये जो कंपनी है, देखिए 2017 से कॉन्टीन्यूसली 2021 तक चल रहा है। पहले जब 2017 में लॉन्च हुआ था तो इस यहाँ पे टोटल 2000 रजिस्टर्ड आउटलेट था, तो अभी जो बढ़ के देखिए 2020 में ये 50,000 के ऊपर इसका जो कस्टमर बेस है वो बन गया है। मतलब इतना आउटलेट ऑलरेडी ओपन हो चुका है, जिससे काफ़ी सारा हैप्पी रिटेलर अभी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। और यहाँ पे देखिए एकदम आपको आसानी से कुछ चीज़ देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे आप मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यहाँ पे आपको आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम मिलेगा, कैश विथड्रॉल एंड कैश डिपॉजिट सर्विस मिलेगा, आपको प्रीपेड कार्ड मिलेगा, रिचार्ज का फैसिलिटी मिलेगा एंड यूटिलिटी बिल पेमेंट्स का सर्विसेज मिलेगा। नेक्स्ट प्रोडक्ट सर्विस में आप देख सकते हैं, आपको टोटल सर्विसेज के बारे में और डिटेल्स में जानकारी आपको मिलेगा, जैसे डोमेस्टिक मनी ट्रांसफ़र। तो डोमेस्टिक मनी ट्रांसफ़र में आप इंटरनली इंडिया के अंदर में जितना भी बैंक्स है उसमें इंस्टेंट मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आप IMPS और NEFT किसी भी मोड में आप मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फिर देखिए आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, आप AEPS के जरिए कैश विदड्रॉल कर सकते हैं विदाउट एनी कार्ड, सिर्फ फिंगरप्रिंट और आधार कार्ड नंबर के जरिए ही आप कैश विदड्रॉल कर सकते हो। आप बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हो, आप मिनी स्टेटमेंट प्रोवाइड कर सकते हो। फिर देखिए प्रीपेड कार्ड, Bankit जो है ये येस बैंक के साथ टाइप में है, मतलब आपको येस बैंक का सर्विस आपको Bankit से मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए प्रीपेड कार्ड से आप कोई भी बिल्स पेमेंट कर सकते हैं। आप अगर कोई प्रीपेड कार्ड इशू करते हो, अगर कस्टमर का कंप्लीट KYC नहीं रहता है, तो वो अप टू 2 लाख तक एक साल में वो बेयर कर सकते हैं और मंथली में अप टू 1 लाख वो क्रेडिट ले सकता है। अगर आप फुल KYC के बाद कोई कार्ड इशू करते हो तो वो यहाँ से देखिए 10 लाख तक का क्रेडिट फैसिलिटी ले सकता है। और महीने में फिर प्रीपेड रिचार्ज, आप देखिए यहाँ से आप कोई भी बिल्स, किसी भी मोबाइल का या फिर कुछ भी DTH डेटा कार्ड, कोई भी बिल्स, कोई भी यूटिलिटी बिल्स आप यहाँ से पे कर सकते हैं। ओके, भारत बिल पे और BBPS, भारत बिल पे और BBPS, कोई भी यूटिलिटी बिल्स आप यहाँ से, जैसे गैस का बुकिंग, गैस का बिल्स, ये सब आप यहाँ से पेमेंट कर सकते हो। फिर देखिए ट्रैवल एंड स्टे, यहाँ पे आप यहाँ से आप ट्रेन का टिकट बुक कर सकते हैं। इसके लिए आपको IRCTC का ऑथराइजेशन आपको मिल जाएगा, जो एक बढ़िया ऑप्शन आपके लिए साबित हो सकता है। फिर आप फ्लाइट का टिकट बुक कर सकते हो, बस का टिकट बुक कर सकते हो और यहाँ से होटल का बुकिंग का सर्विस भी आप प्रोवाइड कर सकते हो। और ऑब्वियसली इसमें काफ़ी सारा इसका जो कमीशन है वो आपको काफ़ी अच्छा मिलता है। फिर फास्टैग, ये जो फास्टैग है, आज के दिन में तो अगर आप थोड़ा टाउन के ओर रहते हो तो
तो आपको तो पता ही है कोई हर एक कार को फास्टैग का ज़रूरत है, तो आप अपने कस्टमर को यहाँ से फास्टैग का सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो। नेक्स्ट इंश्योरेंस, आप यहाँ से तरह तरह का इंश्योरेंस जैसे लाइफ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, टू व्हीलर इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस, हाउस होल्ड इंश्योरेंस, आप इतना तरह का इंश्योरेंस आप कस्टमर को ऑफर कर सकते हो। और इंश्योरेंस का जो कमीशन है ये काफ़ी अच्छा होता है। फिर देखिए माइक्रो एटीएम, आपको जो माइक्रो एटीएम मिलेगा इससे आप किसी भी बैंक का कैश विदड्रॉल कर सकते हैं यूजिंग एटीएम कार्ड, मतलब आपका कोई भी कस्टमर का एटीएम कार्ड से आप उसका मनी विदड्रॉल कर सकते हो। एक मिनी एटीएम का फैसिलिटी आप प्रोवाइड कर सकते हो। नेक्स्ट, अगर इसमें आपको रजिस्टर करना है तो आप सिंपली यहाँ पे साइन अप में आ जाइए। अगर आपको कुछ भी दिक्कत होता है तो आपको यहाँ पे जो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहाँ पे आपको एक फ़ोन नंबर भी मिल जाएगा, आप वहाँ पे कॉल करके कुछ भी दिक्कत होता है तो आप डायरेक्टली बात भी कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे रजिस्टर करने के लिए देखिए एक छोटा सा फॉर्म है, आपको यहाँ पे इस फॉर्म को फिलअप करना है। जैसे यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है तो मैं यहाँ पे एक नाम डाल देता हूँ। फिर यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी डालना है, मैं यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डाल देता हूँ। आपको यहाँ पे अपना ईमेल आईडी और यहाँ पे आप अपना फ़ोन नंबर डाल दीजिए। फिर यहाँ पे देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि आपको इसका कॉन्टैक्ट कहाँ से मिला है, गूगल सर्च से मिला है, गूगल प्ले स्टोर से मिला है, फेसबुक से मिला है, या फिर कहाँ से मिला है। आप यहाँ से कुछ भी एक चूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको YouTube से मिला है तो YouTube चूज़ कर सकते हो, व्हाटएवर। फिर चूज़ स्टेट, आप अपना स्टेट यहाँ से सिलेक्ट कर ली, यहाँ पे आपको अपना स्टेट सिलेक्ट करना है। और फिर आप जिस आप फिर आपको अपना यहाँ से डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना है। ओके, आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ से चूज़ कर दीजिए। फिर एंटर योर एड्रेस, यहाँ पे आप आपका कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे डाल दीजिए। फिर देखिए यहाँ पे एक छोटा सा चेक है, आई अंडरस्टैंड द प्राइवेसी पॉलिसी। अगर आप चाहे तो इसका जो प्राइवेसी पॉलिसी है इसको पहले पढ़ सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे आई अंडरस्टैंड चेकबॉक्स को ऑन कर सकते हैं। उसके बाद आप रजिस्टर में क्लिक कर दीजिए। फिर देखिए आपके पास एक OTP भेजा जाएगा एक मोबाइल नंबर में, तो वो OTP मिलने के बाद आपको यहाँ पे टाइप करना है। ओके, मेरा OTP आ गया है, वो OTP है 898659। ओके, सबमिट। तो देखिए आ गया। तो यहाँ पे देखिए आपको कितना रुपया प्लान के लिए देना है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक प्लान, यहाँ पे देखिए बेसिक प्लान के लिए आपको 350 रुपीस एज ए रजिस्ट्रेशन चार्ज आपको देना है। इसमें आपको कौन कौन सा सर्विस मिलेगा, आपको APS सर्विस मिलेगा, DMT सर्विस मिलेगा, रिचार्ज मिलेगा, बिल पेमेंट मिलेगा, ट्रैवल बुकिंग मिलेगा और एक्सेट्रा। ओके, इसको रजिस्टर कर यहाँ पे बाय नाउ के बाद यहाँ पे ये रुपया आपको पे करना है। फिर देखिए यहाँ पे पैन कार्ड सेंटर, पैन कार्ड के लिए आपको 1350 रुपया यहाँ पे जमा कराना है। अगर आप माइक्रो ATM, बैंकिंग एजेंट, मतलब पूरा बैंकिंग सर्विस लेना चाहते हैं तो आपको 3349 रुपीज़ यहाँ पे देना पड़ेगा। अगर आप IRCTC का OTP बेस्ड ID लेना चाहते हैं तो आपको 1949 रुपया का एक पेमेंट करना है। तो ये है इसका पेमेंट स्ट्रक्चर। जब आप पहले स्टार्ट कर रहे हैं तो आप पहले आप बेसिक प्लान 350 रुपीज़ से ही अब मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप कीजिए। उसके बाद अगर ज़रूरत पड़े तो आप दूसरा प्लान को ले सकते हैं, उससे पहले नहीं। ओके, फिर यहाँ पे बाय नाउ के क्लिक करने के बाद आपको देखिए यहाँ पे उसके बाद देखिए यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि अगर आप कोई भी ये सब डिवाइस लेना चाहते हैं
तो आपका जो कीमत है वो यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे मॉर्फो MSO 1300 E3 इसके इसका पेमेंट है 2800 रुपया। अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो आप इसका चेकबॉक्स ऑन कर सकते हैं। अगर नहीं लेना है आप बाहर से ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके पास ऑलरेडी है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, परंतु ये मॉडल का ही होना चाहिए, क्योंकि आपको जो पोर्टल दिया जाएगा उस पोर्टल में यही जो RD सर्विस इनेबल्ड मॉर्फो डिवाइस है वो ही सिर्फ काम करेगा। अगर आपको बैंक किट का ATM सर्विस लेना है तो उसका चार्ज कॉस्टिंग देखिए 2600 रुपया है, तो आपको यहाँ पे इसको ऑन करना है। अगर नहीं लेना है पहले तो पहले इसको छोड़ दीजिए, आप बाद में कभी भी इसको ले सकते हैं। फिर यहाँ पे सबमिट कीजिए। देखिए सबमिट करने के बाद यहाँ पे नाउ ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, कोई भी किसी भी मोड से आप इसको पेमेंट कर सकते हो 350 रुपीज़। ओके, ये जो फिर आपको यहाँ से पे करना है। अगर आपको कुछ भी दिक्कत हो रहा है, अगर आपको और भी कोई जानकारी लेना है तो आप देखिए यहाँ पे बाजू में ही एक नंबर दिया गया है, ये आकाश वर्मा है, तो इसका जो कॉन्टैक्ट नंबर है और ईमेल आईडी दिया गया है, तो ये इस ईमेल आईडी में आप कंप्लीट जानकारी पहले और भी कॉल करके आप और भी डिटेल्स में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो मुझे जितना दिखा ये जो बैंक किट का जो सर्विस है, मुझे ये सर्विस काफ़ी अच्छा लगा।